भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी कि इंसू के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला और कार्यकर्ताओं के साथ गोहाना के एक कॉलेज में पहुंचे। यहां पर कॉलेज प्रशासन ने उनका विरोध किया, जिसके बाद इंसू के कार्यकर्ता भड़क उठे। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर इंसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला गोहाना के जीडी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे, जहां कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्राओं को कमरों में बंद कर दिया और दिग्विजय से नहीं मिलने दिया, जिसका दिग्विजय चौटाला और इंसो के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। लिंगदो कमेटी की सिफारिशें 2000 के दौर से और 2005 तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, और 2005 में लिंगदो कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाकर इस पर फैसला सुनाया। तो हम इस बात के लिए, उस समय जब चौटाला साहब की सरकार थी, चौटाला साहब ने इस केस को इसीलिए पेंडिंग छोड़ दिया कि हम ये चाहते थे कि लिंगदो कमेटी का फैसला हो जाए, क्योंकि उससे पहले असामाजिक तत्व जो है इन कॉलेजेस इन संस्थानों के अंदर आकर के माहौल को बिगाड़ने का काम करते थे। जब लिंगदो कमेटी की सिफारिशें पारित हुई, उसके बाद रिजिड रूल सेट ऑफ रूल बन गए और उन रूल के तहत चुनाव करवाए जाते हैं। आज हम उसके पक्षधर हैं, जब दिल्ली में हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में, चंडीगढ़ में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हो रहे हैं जहाँ क्राइम हमारे से ज़्यादा बदतर है, राजस्थान में हो रहे हैं, तो फिर हरियाणा के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो सकते, ये हमारा बड़ा प्रश्न। वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दी कि कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज में घुसाए, जिसके बाद पुलिस ने इंसो के 13 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता होने पर सभी को रिहा कर दिया। मैंने जो मौके पे स्टूडेंट वर्कर मिले थे, उनको थाने में ले आया था प्रिंसिपल की कंप्लेंट पे। पीछे पीछे प्रिंसिपल दोबारा लेटर लेकर आ गए, भाई हमारा समझौता हो गया आपस में, मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो भी इनका आपस में बैठ कर फाइनल हो गया, ना कह दिया भाई हमारे एक दूसरे की कोई शिकायत नहीं है, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। कितने लड़कों को लेकर? प्रिंसिपल स्टाफ अपना शिकायत ले गया वापस, 13 लड़के थे। इंसो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए संघर्ष कर रही है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अगले सत्र से छात्र संघ चुनाव कराने का आश्वासन दिया है।